दुनिया के कुछ खोए हुए आविष्कार जो आज मौजूद होते तो हमारी दुनिया कुछ अलग ही होती। नंबर एक, 1998 के समय में स्टेनली नाम के एक व्यक्ति ने एक ऐसी कार का निर्माण किया जो पीने वाले पानी से चलती थी, जो सिर्फ 100 लीटर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल सकती थी। जी हाँ दोस्तों, ये कोई हवाबाजी नहीं है। स्टेनली ने ये कार लाइव टीवी पर चलाकर भी दिखाया था। इस आविष्कार के बाद स्टेनली एक दिन उसको मिलने के लिए कुछ बिजनेसमैन आए और वह लोगों ने कुछ ड्रिंक्स पिए। इसके बाद कुछ ही मिनटों के बाद स्टेनली चिखते हुए जमीन पर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। इस घटना के कुछ ही समय के बाद उनके घर पर चोरी हुई और उनके घर से वो घड़ी समेत सारी गायब चीजें हो गई जिससे वो गाड़ी फिर से बना सकते थे। नंबर दो, 1901 के समय में निकोला टेस्ला एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसमें बिजली के बिना वायर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सकता था। इस आविष्कार को पूरा करने के लिए उनको पैसों की जरूरत थी, इसी वजह से टेस्ला को काम बंद करना पड़ा। नंबर तीन, 1995 में जेम्स थोक नाम के व्यक्ति ने ऐसे कोडिंग सिस्टम का निर्माण किया था जो कई जीबी की फिल्म को सिर्फ 8 या 9 KB में समा सकती थी। मतलब कि आज हम अपनी 64 GB मेमोरी के अंदर 1,00,000 से भी ज्यादा फिल्में स्टोर कर सकते थे। लेकिन इस आविष्कार को बेचने के 2 दिन पहले ही जेन की किसी अजीब प्रकार के अटैक से मौत हो गई।